नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में झटका लगा, जिनमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। हालांकि बीजेपी का प्रदर्शन बिहार और बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी 2019 के मुकाबले कमजोर रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी के समर्थक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि इस बार भी ये दोनों राज्य सत्ता की दहलीज तक मोदी को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खैर, रिजल्ट सामने है। यूपी में बीजेपी को 33 सीटें ही मिल पाई और जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी को मात्र 9 सीटें ही मिली हैं, और इस तरह से बीजेपी इन दोनों बड़े राज्यों में पिछड़ गई। दोनों ही राज्यों के बीजेपी के सहयोगी दल यानी एनडीए के साथी भी नाराज नजर आ रहे हैं। यूपी में उधर कहें तो ओपी राजभर की नाराजगी सामने आई, तो उधर उत्तर प्रदेश के आगे बढ़े और महाराष्ट्र पहुंचे तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी कमोबेश नाराज ही दिखाई दिए। अजीत पवार गुट ने तो मंत्री पद लेने से ही मना कर दिया, और जिसके बाद से एनडीए में फूट की खबर लगातार चल रही है। आज भी एक खबर आई है, अजीत पवार ने प्याज की कीमत को लेकर फिर बयान दिया है और कहा है कि किसान नाराज थे तब भी और अब भी नाराज हैं। और इसी बीच आज इंडिया गठबंधन के घटक दल और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के तीनों साथी यानी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, इन तीनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि उनके इरादे क्या हैं। महाराष्ट्र का विपक्ष शांत बैठने वाला नहीं है और आने वाले समय में अपनी मजबूती के लिए दूसरे नेताओं के लिए दरवाजे भी ये जो विपक्ष का यानी महाविकास आघाड़ी है ये खोल सकता है। सुनिए, उद्धव ठाकरे से जब पूछा गया, इसी पर सवाल पूछा गया, तो क्या कुछ कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, सुनिए जरा। देखो, पहले ही जैसे जयंत राव जी ने कहा, जितने लोग हमारे साथ अभी रहे और उन्होंने संघर्ष किया, हम उनको लेकर आगे जाएंगे। और कुछ लोग अगर आना चाहते हैं, सिर्फ ये या वो ऐसे नहीं, तो खींचातानी किए बिना अगर वो आना चाहते हैं तो देखेंगे। लेकिन मैं जिसका नाम आपने लिया वो नाम लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जनरल बात कर रहा हूं। एकच तुमच्या लक्षात असेल, मी 22 जानेवारीला ताडाराम मंदिरात गेलो होतो आणि 23 जानेवारीला ज्या दिवशी। तो उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे और कह रहे थे कि मैं कोई नाम लेकर नहीं कहूंगा, लेकिन ये देखना जरूरी है। और इसमें पूरा जो बातें हो रही थी, इन बातों में सबसे बड़ी चीज कि यहां उद्धव ठाकरे या शरद पवार या कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम नेताओं ने अपनी बात रखते हुए साफ साफ कह दिया कि हम लोग मजबूत हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, और ये मजबूती यहां इस मंच पर भी दिखाई दे रही थी। इसी मंच से आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे के बगल में शरद पवार बैठे हुए हैं और शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधते हुए इसी मंच से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कहीं भी रोड शो या रैली की, हमें वहां पर जीत हासिल हुई, इसीलिए यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करूं। यानी महाविकास आघाड़ी इस बार मोदी और बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहता है, यह साफ समझ में आता है, और इसी के साथ आगामी विधानसभा के लिए भी खुद को मजबूत रखना चाहता है महाविकास आघाड़ी। आज इन तीनों दलों के नेताओं ने खुलकर ऐलान कर दिया कि विधानसभा चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी हम साथ साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, हम अपने संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। ये ऐलान यहां इसी मंच से किया गया। इधर आप आ जाइए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से भी ऐसी ही खबर आ रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने कड़ी चुनौती पेश की थी नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से, कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के, इन्होंने भी अपनी मीडिया से चर्चा में अपनी बात रखी है और साफ साफ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं। हमारी तैयारी पूरी है, हमारा एक कार्यकर्ता आगे आगे जुड़ के खड़ा रहा है और निश्चित तौर से हमारे एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं, और निश्चित अभी उपचुनाव भी लड़ेंगे और आगे जो 2027 में होगा उसमें निश्चित तौर से अपनी ताकत के साथ
पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगी। क्यों संशय है कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट बरकरार रखेंगे या रायबरेली? हम सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की चाहती है कि वो रायबरेली रहें, क्योंकि रायबरेली पारिवारिक रिश्ता है, पुरखों का रिश्ता है और वो पुरखों का रिश्ता लगातार बरकरार रहे और उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे तो बहुत मजबूत उत्तर प्रदेश आने वाले 27-29 से मजबूत रहे। जिस तरह से बनारस में आपने नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से डिफेंड किया, अब 18 तारीख को पीएम आ रहे हैं वहाँ आभार जताने, क्या लगता है बनारस किसका आभार जताएंगे? जो किसानों की जमीन ली जा रही है, जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है, जब बिना मुआवजे की जमीन ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर वालों को लाठी मारकर ले रहे हैं और तमाम अब वहाँ की जो गंजारी में जो स्टेडियम बना रहे हैं, जबरदस्ती किसानों की जमीन ले रहे हैं, अवैधिक सिटी की जमीन ले रहे हैं, काशी द्वार की जमीन ले रहे हैं, ये सबसे जनता उब चुकी है। निश्चित तौर से 18 को आएंगे और केवल जुटाई हुई भीड़ और जो ऑर्गेनाइज लोग रहेंगे। तो साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने अपनी आगे की रणनीति सामने रख दी है। बिहार में महागठबंधन पहले से मौजूद है, आप जानते हैं, वहां पर बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों का महागठबंधन है और उधर बंगाल में ममता बनर्जी इंडिया का हिस्सा बनकर कभी भी खेला करने को तैयार हैं। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया था पहले ही कि मैं या हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम बाहर से समर्थन देंगे। ये बात आप याद कीजिए, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन भी और रिजल्ट के पहले भी कई बार ममता बनर्जी कह चुकी हैं, यानी कि ममता बनर्जी कभी भी खेला कर सकती हैं। और कहा जा रहा है कि ममता के संपर्क में कुछ बीजेपी सांसद हैं और वो मोदी को झटका दे सकते हैं, ये सांसद अगर ममता बनर्जी के खेमे में चले जाएं। कुल मिलाकर मोदी को अपनी सरकार बचाए रखने की चुनौती है। संसद का सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, इन तमाम नेताओं का सामना एनडीए को करना होगा, नरेंद्र मोदी को करना होगा। नरेंद्र मोदी को आपने सुना, देखा है अभी तक पिछले 10 वर्षों में जब जब सदन के अंदर आए हैं तो उनका भाषण किस तरह का रहा है। उनका भाषण कई बार संसद की मर्यादा को तोड़ते हुए, तार तार करते हुए नजर आया और वहां वो सीधे सीधे विपक्ष के ऊपर हमला करते हुए नजर आए। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा? उससे पहले जब सदन में ये तमाम नेता इकट्ठा होंगे, पक्ष और विपक्ष, तो उन सबसे पहले 3-4 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो चल रही हैं। पहली खबर ये कि आखिर संसद में स्पीकर कौन होगा, लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। यहां देखिए, ये तैयारियां चल रही हैं, संसद भवन की तैयारियां जोर शोर से, और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि संसद भवन जो है ये आधा अधूरा है, बाहर का काम भी आधा अधूरा, अंदर का काम भी आधा अधूरा, और इसी सब के बीच जो तैयारियां हैं इन सब में आगे की रणनीति और इस पर चर्चा, यानी कि दोनों सदनों में जो सत्र की शुरुआत होगी उसमें राष्ट्रपति को भी अपना भाषण देना है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर इस बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का चुनाव होना चाहिए और इस बार विपक्ष डिप्टी स्पीकर के लिए तो बिल्कुल अड़ा हुआ है, पहले से कह रहा है कि हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। यानी सदन भी और सड़क भी, संसद भी और संसद से बाहर सड़क भी, दोनों तरफ गर्माहट बहुत ज्यादा है, तापमान भी ज्यादा है और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी इटली से लौट आए हैं, वहां की ठंडी हवाओं का एहसास लेते हुए, और अब यहां दिल्ली की गर्मी में, सियासी गर्मी में कैसे खुद को रोक पाएंगे, पसीने कैसे पोंछ पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आइए दोस्तों, आज चर्चा की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि आखिर मजबूत इंडिया का सामना कैसे करेंगे नरेंद्र मोदी। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ मनोरमा जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, पहले भी मनोरमा जी इस कार्यक्रम में आई हैं, हिस्सा ली है। मनोरमा जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, रविकांत जी को आप सब जानते हैं दोस्तों। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, बहुत सारी बातें रख चुका हूं महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन तैयार हो गया है,
प्रोफेसर रविकांत जी, और ये गठबंधन अटूट जैसे अजय राय कह रहे हैं ये दिखाई दे रहा है, और समाजवादी पार्टी के सूत्रों से अगर उनके लोगों से नेताओं से बात कीजिए तो वो भी कह रहे हैं कि अभी जो उपचुनाव होंगे उन उपचुनावों में भी हम साथ साथ लड़ेंगे, और 2027 का जो चुनाव होगा उसमें भी साथ लड़ेंगे, और सदन के अंदर तो साथ में है ही। यानी ये एक नया गठबंधन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी दिखाई दे रहा है, बिहार में पहले से है, उधर दक्षिण में देखिए आप तो तमिलनाडु में पहले से बरकरार है ये गठबंधन, महाराष्ट्र में पहले से बरकरार है, और दिल्ली में नहीं चल पाया, दिल्ली में पहले ही ये इंडिया गठबंधन जो है उसके आगे, क्योंकि कहा गया कि ये लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग विधानसभा अलग अलग लड़ेंगे, चलिए वो एक अलग कहानी, लेकिन उत्तर प्रदेश क्या यहां से और झटका देने के लिए तैयार है, और क्या ये अभी जो आगे, क्योंकि अब विधानसभा उपचुनाव की तरफ ना भी बढ़े, लेकिन आगे जो अभी सदन की कार्यवाही चलनी है, सरकार की गतिविधियां आगे बढ़नी है, उसमें कितना बाधक साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र? प्रोफेसर रविकांत जी, देश महाराष्ट्र और इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी का सेंगोल किनारे रख दिया है। जो मंसूबे थे नरेंद्र मोदी के नई पार्लियामेंट में जाने के बाद के भारत को वो एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर देंगे, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे, और ये कोई हवा में बात नहीं हो रही थी। आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र में बात हो रही हो या जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो इस हार का ठीकरा कहां फोड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक गलत नैरेटिव चलाया गया इंडिया अलायंस की तरफ से कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इसकी वजह से इंडिया अलायंस को इतनी सीटें मिली। लेकिन ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी जो करना चाहते थे, उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष तो बाकायदा लेख लिख रहे थे, फिर अनंत कुमार हेगड़े से लेकर के एक लंबी श्रृंखला है, मैं कई बार उसका जिक्र कर चुका हूं कि उन लोगों ने डंके की चोट पर कहा कि हम संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहते हैं, और इसका जवाब क्या दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, बिहार की जनता ने, कि भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन छीन, और हालत क्या बना दी, 240 और 240 भी कैसे सीटें जीते हैं वो हम सब जानते हैं कि एक तरफ तो निहत्था विपक्ष था, तो दूसरी तरफ तमाम संसाधनों से और शक्ति से लैस नरेंद्र मोदी, जिनके पास मोदी मीडिया भी था, चुनाव आयोग भी था, ईडी, इनकम टैक्स, वो तमाम एजेंसियां भी थी, वो काम कर रही थी, तब 240 पे आकर के आप अटक गए। ये जो चुनाव है वो आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का चुनाव बन गया था, और इस देश की जनता ने पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी को नकार दिया, और चुना किसको जो संविधान के साथ खड़े हैं, चुना किसको जो लोकतंत्र के साथ खड़े थे, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करना चाहते हैं, जो आरक्षण और सामाजिक न्याय को लागू करना चाहते हैं, जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा करना चाहते हैं, उनको इस देश के लोगों ने चुना। तो ये जो लड़ाई है सांकेतिक नहीं है, सीधे तौर पर संसद से लेकर के सड़क की लड़ाई बनने जा रही है। अब विपक्ष उस तरह से कमजोर भी नहीं, संसद में चाहे स्पीकर का मामला हो या डिप्टी स्पीकर का, या सड़क पर चाहे नीट का सवाल हो, या फिर कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवादियों का, या जो चुनाव के दरमियान हुआ था जहां सेंसेक्स पहुंचा था वहां भी जो खेल हो रहा था, ये तमाम मुद्दे कि जहां शपथ ग्रहण हो रहा था और अंबानी अडानी दूसरी कतार में बैठे हुए थे और इस देश का जो सेना अध्यक्ष था वो चौथी पांचवी आठवीं कतार में बैठा हुआ था, ये तमाम सवाल सामने आएंगे। और उत्तर प्रदेश में तो एक बड़ा मजबूत गठबंधन बन गया है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी फिर से उपचुनाव में दिखाई पड़ेगी, और वो उन मुद्दों पर, अखिलेश यादव का अपना पीडीए का है और राहुल गांधी का संविधान और सामाजिक न्याय को बचाने का जो इशू है उसको लागू करने का जो मुद्दा है, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन सब को खारिज करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी उपचुनाव होने जा रहे हैं उन उपचुनाव में भी आमतौर पर यह माना जाता है राजीव जी कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव लगभग वही जीतते, लेकिन ये चुनाव बहुत भारी पड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये संकेत होगा उन तीन राज्यों के चुनाव का भी, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या आपका बिहार में हो
या झारखंड में हो, हरियाणा में हो, इन राज्यों में जो आगामी दिनों चुनाव होने जा रहे हैं उसकी भी तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। और ये राजनीति विशुद्ध रूप से सोशल जस्टिस, संविधान और लोकतंत्र जैसा धर्मनिरपेक्षता जिस तरह का संविधान है उसी पर ये लड़ाई केंद्रित हो गई है। और इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है और इसी लड़ाई तो अब आरएसएस बीजेपी के बीच भी दिखाई दे रही है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच भी तलवारें खिंची हुई है। वो अपने घर में कैसे मुकाबला करेंगे तब सामने लड़ेंगे, और सामने दो मजबूत स्तंभ उत्तर प्रदेश में और पूरे आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहां महाविकास अघाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए डगर अब आसान नहीं, बहुत मुश्किल होने जा रही है संसद से लेकर के सड़क तक। जी बिल्कुल, मतलब मुद्दे जो थे, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, वो मुद्दे अभी भी जीवित है, जिंदा है, और उन मुद्दों पर ये इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ये आप कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। जरा मनोरमा जी आपके पास आना चाहता हूं। मनोरमा जी, क्या ये मुद्दे जिसमें संविधान बचाओ 400 पार का नारा देने वाली पिछली सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, उस पर पिछड़ती हुई नजर आई। एकनाथ शिंदे भी कह चुके हैं कि 400 पार का नारा बैकफायर कर गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे अभी भी जिंदा हैं? और अगर ये हैं, जिसमें सामाजिक न्याय सबसे बड़ी बात, संविधान बचाओ सबसे बड़ी बात, और इसके आगे क्या इन मुद्दों के आधार पर, इन मुद्दों के सहारे बीजेपी को और मोदी सरकार जो अभी वर्तमान में है इसको घेरा जा सकता है? बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन कितनी चुनौती बनकर आज की तारीख में, जबकि वो सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, खड़ा नजर आता है आपको? सबसे बड़ी बात तो एकता को बनाए रखने की है, जो हम लगातार कम से कम हर जगह से ये खबर आ रही है कि जो अलायंस है उसकी मजबूती बनी रहेगी। महाराष्ट्र से ये बात थी तो अभी लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे उद्धव ठाकरे भी कि अघाड़ी जो है वो मेंटेन रहेगा और बाकी और तमाम जो घटक है। देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि जो दो दल है, खास तौर पर टीडीपी और यहाँ पर आप जेडीएस को ही देख लीजिए कर्नाटका से, तो वो भी मोदी सरकार को भाजपा की सरकार की तरह से चलाने नहीं दे रहे। आप आज ही एक खबर आई है जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए, जबकि इन्होंने कहा है कि गुजरात में जो इंडस्ट्री लग रहा है सेमीकंडक्टर, उन सब में एक जॉब क्रिएट करने के लिए 3.2 करोड़ रुपए केंद्र से मिलता है। तो इस तरह से 70% जो है वो केंद्र का पैसा होता है जो बाहर की कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी आकर लगा रही है। तो ये एक भ्रम है और ये सब गुजरात को मिल रहा है, यानी कि अगर 5,000 करोड़ या 15,000 का निवेश हो रहा है या 15,000, उसमें 70% पैसा जो है आपका केंद्र सरकार दे रही है एक जॉब क्रिएट करने के लिए 3.2 करोड़। तो ये बड़ी बात है, पर जिस एनामली की तरफ खुद एचडी कुमार स्वामी ने यहाँ पर, हालांकि इनका खूब स्वागत हुआ, लेकिन जब उद्योग के मामले में जब उनसे सवाल पूछा गया उनके राज्य की जनता नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मुझे समझने दीजिए इस पूरे मामले को, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो क्या एनडीए में रह करके भी वो इस एक पहले ही अपने फैसले से उन्होंने ये वो लाइन खींच दी है, उन्होंने बताया है कि कैसे गुजरात को फेवर कर रही थी मोदी सरकार या फेवर कर रही और कैसे ये जो है बैलेंस नहीं बन रहा है। और दूसरी तरफ एक और मामला लीजिए जो मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर के है, चंद्रबाबू नायडू से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ 4% आरक्षण जो है वो जारी रहेगा, लेकिन कर्नाटक के ही एक एमएलसी नए चुने गए और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीटी रवि वो लगातार कह रहे हैं कि भाजपा जो है मुसलमानों के आरक्षण का विरोध करेगी, क्योंकि संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना है। तो यहाँ भी जो एक विरोधाभास है वो चल रहा है। तो अभी तो सरकार को बने हुए हफ्ते भर का समय हो रहा है, इस हफ्ते भर के समय में हम ये दो बड़ी चीजें देख रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण के टीडीपी के स्टैंड को उन्होंने साफ क्लियर किया, उस पर भाजपा का जो अपना स्टैंड है एक एमएलसी और वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, तो ओवरऑल जो भाजपा का ये मानना है, उनका वोट बैंक है इसके आधार पर कि मुसलमानों को आरक्षण देने का वो विरोध करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री ने खुले आम अपनी पूरी कैंपेनिंग इस विरोध के आधार पे की है, उनका सामाजिक न्याय इसी पर फोकस है कि मुसलमान जो है वो सामाजिक न्याय का हिस्से की जो है सेंधमारी करवा रहा है एनडीए इंडिया अलायंस, जो मैं नहीं होने दूंगा। तो ये दो चीजें हैं जो कि मुश्किल में खुद मोदी सरकार को डालेंगे और तब
ये जो इंडिया अलायंस गठबंधन है जो अब मजबूती के साथ है, और तमाम तरह से जो ममता बनर्जी को लेकर के किया जा रहा था वो भी इसके साथ में अब बार बार आश्वासन उनका संकेत मिल रहा है कि साथ में है इधर से और बाकी जगह से भी है, तो ये सब मिलकर के प्रेशर जो है वो लगातार बना रहेगा। हालांकि देखिए 292 सीट है, 272 से काफी आगे है, तो तत्काल ऐसा कोई खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन तलवार की धार पर तो है ये सरकार और लगातार जो चीजें हैं और विरोध, क्योंकि सब जो है वो अपने हित से जुड़े हुए हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू है तो उनका हित अमरावती है, और दूसरा ये है कि जगन मोहन को उन्होंने बहुत अच्छे से साइड में किया है आंध्र की पॉलिटिक्स में, और अब बहुत बड़े उसके साथ है, तो अगले टर्म की राजनीति या कर्नाटक सॉरी आंध्र में पूरी तरह से जो है वो करेंगे मजबूती बनाए रखने के लिए। हो सकता है वो समझौतों का, देखिए विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार मांग रहा है तो आंध्र प्रदेश भी मांग रहा है, तेलंगाना जो है हैदराबाद उनको उनके पास राजधानी नहीं है अमरावती, तो दो चीजें या तो अमरावती के लिए फंड मिले या नहीं तो फिर स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, तो ये दोनों चीजें हैं। तो कई सारी चीजें जो आगे अनफोल्ड होंगी और ये इस पर किस तरह से मोदी जो है निपटते हैं, कैसा फैसला करते हैं, और उस पर ये डिपेंड करेगा। नीतीश कुमार का नहीं पता, बिहार में अभी इस तरह से एक विशेष राज्य के दर्जे की बात थी, उसके अलावा अभी इस तरह से नहीं। खुद नीतीश कुमार के बारे में आज खबर है कि उनकी तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तो अभी ये। लेकिन हाँ, चंद्रा बाबू अपनी बहुत मजबूत राजनीति जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे केंद्र में उनकी भूमिका जो है वो अपने राज्य का विकास है। हम ये भी जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री तक के पद को वो कर चुके हैं अपने अपने राज्य की राजनीति पे फोकस करने के लिए, तो चंद्रा बाबू की राजनीति को कोई भी कमतर नहीं समझ सकता, अपने राज्य के हित में वो बड़े से बड़ा चीज कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री के पद को भी वो कर चुका है, तो ये सारी बातें बहुत मायने रखती है। तो आसान नहीं है सब कुछ, और इसमें एक बहुत सकारात्मक बात है इंडिया अलायंस का जो है साथ गठबंधन और संसद में उनकी मौजूद मजबूत मौजूदगी, तो ये लगातार जो चीजें हैं वो मतलब इसके फेवर में है। अभी तुरंत मुझे खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इन सब चीजों पे किस तरह से इनके अपने सहयोगियों के साथ राजनीति अनफोल्ड होती है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रही हैं, और यहां से इंडिया गठबंधन के पक्ष में क्या जा सकता है, कहां पर कमजोर नजर आती है बीजेपी और उनका गठबंधन जो एनडीए जिस रूप में है वो कैसे कमजोर नजर आता है, ये सारी बातें यहां पर रखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, मनोरमा जी बता रही थी। और जरा और आगे बढ़ते हैं, इंडिया गठबंधन का साफ साफ कहना है कि उपाध्यक्ष का पद दे दीजिए और नहीं मिला तो स्पीकर के लिए, स्पीकर का जो लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा उसमें हम उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, यहां से सदन के अंदर की एक लड़ाई दिखाई देती है, और अभी तक तो हम लोग जो बातें करते आए हैं वो बाहर की बातें कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन कहां कहां मजबूत है, क्या मजबूती आगे वो बरकरार रखने जा रहा है, क्या कुछ करने जा रहा है, इन सब की हम बात कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश जो बहुत ही मजबूत किला कहलाता था बीजेपी का, वो लगभग ढह चुका है, लगभग ढह चुका है कह सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं, उन तब उस पर अभी हम चर्चा न करके सदन के अंदर चलते हैं, और यहां से जरा आगे की जो एक तस्वीर है उसको, जो सियासी तस्वीर, उसको अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखा जाए प्रशांत जी, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पिछली दफा नहीं दिया गया, अब डिप्टी स्पीकर की डिमांड है, इनका कहना है, विपक्ष का कहना है कि ये पद दीजिए वरना हम उधर विघ्न डालेंगे, कैसे देखा जाए? राजीव जी, डिप्टी स्पीकर भी है और लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, ये दोनों चीजें इस बार होंगी। देखिए, अगर मैं बात करूं एनडीए के जो घटक दल है और खासकर तृणमूल कांग्रेस, टीडीपी और जेडीयू जी, इन्होंने अगर स्पीकर के पोस्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, जो कि लगता है कि कर लिया है, तो ये भारी भूल करने जा रहे हैं। बीजेपी इस एनडीए की सरकार को, मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार बनाने के काम में लग गई है, उसको कितना टाइम लगेगा ये देखने की बात है, लेकिन वही तरीका पुराना
एजेंसियों का शुरू हो रहा है और इस पे काम इनका शुरू हो गया है, तो ये भारी भूल होगी इनकी, इनकी पार्टियां खत्म हो जाएंगी अगर इन्होंने ढंग से पहरेदारी नहीं की। और पहरेदारी नामुमकिन है अगर उन्होंने स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पद पे इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया। इंडिया गठबंधन को क्या करना चाहिए? इंडिया गठबंधन को देखिए, पहली बात की स्पीकर की पोस्ट फंसानी चाहिए। डिप्टी स्पीकर एक अलग मुद्दा है जो परंपरागत रूप से विपक्ष के पास रहता, इसका कोई नियम कानून नहीं, लेकिन परंपरा है, संसद परंपरा चलती है, तो परंपरागत रूप से विपक्ष के पास रहा है जी। पीएम सईद लंबे समय तक डिप्टी स्पीकर थे, वाजपेयी जी की सरकार के समय डिप्टी स्पीकर, लक्षद्वीप के सांसद और कांग्रेस के पीएम सईद रहे, तो एक परंपरा रही है। और बीजेपी के भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं कांग्रेस की सरकारों में या यूपीए की सरकारों में, तो ये एक परंपरा रही है। मोदी जी से ये उम्मीद करना कि वो लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं को निभाएंगे, ये बड़ा टेढ़ी खीर है, मुश्किल है। अपने ही मंत्रालय का वो जवाब देने संसद में नहीं आते हैं, तो और उनसे क्या उम्मीद की जाए। मैं स्पीकर की पोस्ट पे आता हूँ राजीव जी। स्पीकर की पोस्ट पे कंटेस्ट होना चाहिए, और अगर इन लोगों ने हथियार अपने डाल दिए हैं तो कांग्रेस को और विपक्ष इंडिया गठबंधन को इसमें एक कोई बड़ा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, कम से कम ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए कि जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए दिक्कत पैदा करे। मसलन धुबरी के सांसद जो नए आए हैं रकीबुल हुसैन, 10 लाख वोट जीत कर आए, 4 बार के MLA हैं, वो ऐसा कोई कैंडिडेट लाना चाहिए जो कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को उनका विरोध करने पर राजनीतिक कीमत चुकानी पड़े। तो ये संसद के अंदर की जो पॉलिटिक्स है वो उसको करनी चाहिए, और डिप्टी स्पीकर पर डिमांड करनी चाहिए। डिमांड क्या, मतलब स्पीकर जो भी बने उसके सामने एक प्रेजेंटेशन जाना चाहिए, प्रेसिडेंट हाउस में जाना चाहिए कि डिप्टी स्पीकर, क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा जो है वो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट किसे भी दबाव डालना चाहिए। इस पर पूरी देश में बहस चलनी चाहिए, संसद के अंदर बहस होनी चाहिए कि डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं था जी मोदी साहब के कार्यकाल में। तो डिप्टी स्पीकर भी एक जरूरी है, और ये डिप्टी स्पीकर का विपक्ष के पास होना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हित में है, वरना इनकी पार्टियां टूट जाएंगी, ये खड़े रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, इनकी पार्टियां टूट जाएंगी और NDA सरकार बीजेपी की सरकार में बन जाएगी। जो उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में कुछ नए तरीके की राजनीति हो रही है, और 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से आई हैं, प्रोफेसर रविकांत इस पर प्रकाश और डालेंगे। एक देखिए, हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स है वो ढलान पर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो खत्म हो गई है, लेकिन वो ढलान पर है। अयोध्या के हारने से, तमाम जगह पे हारने से एक संकेत मिल रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति ढलान पर है। और जिस तरीके से RSS के नेताओं के बयान आ रहे, मैं बीजेपी और RSS में बिल्कुल भी फर्क नहीं करता हूँ, ये सब एक दूसरे के वो हैं, हितैषी हैं, एक ही दल है, एक ही पार्टी है, दूसरे के पूरक हैं, पूरक है, और ये एक दूसरे की मदद करते। RSS ने जी जान लगाकर इस चुनाव में काम किया है, ये कहना कि वो हाथ खींच रहे हैं, वो बीजेपी को एम्बेरेस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है, और अब RSS का कैरेक्टर भी बदल गया है, उनके लोग ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि RSS को दोबारा समाज सेवा में जाना चाहिए। अब वो RSS का कैडर समाज सेवा वाला रहा ही नहीं, वो अब ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहा है, ठेके चलवा रहा है,
वो अब इकोनॉमी क्लास में हवाई जहाज में भी चलता है, जो पहले हवाई जहाज में भी नहीं चलता था, अब वो बिजनेस क्लास में चलता है, बड़ी बड़ी एसयूवी है उसके पास। अब आरएसएस का क्लास कैरेक्टर चेंज हो गया, तो आरएसएस तो उसके अलावा हिंदुत्व की राजनीति ढलान पर है, एक बात। दूसरी बात कि मतदाता ने बहुत स्पष्ट रूप से एक संकेत दिया है कि मतदाता को आप 5 किलो अनाज देकर खरीद नहीं सकते हो, ये बहुत बड़ा संदेश गया है और इससे जमीन हिल गई है नरेंद्र मोदी की। ये जो बहुत बड़ा उनके जो बहुत ही प्रिय प्रचारक हैं और वो एग्जिट पोल भी करवाते हैं, सर्वे भी करवाते हैं, वो भी टीवी चैनलों पे एक नया टर्म लेकर आए थे, लाभार्थी वोट बैंक। वो लाभार्थी वोट बैंक अब नहीं चला, तो मतदाता ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया कि 5 किलो अनाज देकर आप हमारा वोट नहीं खरीद सकते। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जो नफरत फैलाने वाला मीडिया खड़ा करके भी आप चुनाव नहीं जीत सकते। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने में आ रहा है जो आगे डेवलप होगा, देखिए सामाजिक न्याय के खिलाफ बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग खड़ी करी जी। वो सोशल इंजीनियरिंग में पहचान की राजनीति करने वाली कुछ पार्टियां आई जो वर्चस्ववादी यानी सवर्ण वर्चस्व का कभी विरोध नहीं करती हैं, कभी सामाजिक न्याय का विरोध नहीं करती हैं, सामाजिक न्याय की बात नहीं करती हैं, कभी अन्याय का विरोध नहीं करती, कभी आरक्षण के मुद्दे पर सड़क पर नहीं आती। वो केवल रिप्रेजेंटेशन की बात करती है और वो अंत में 2 सीट 4 सीट लाकर वो बीजेपी के साथ मिल जाती है। इस राजनीति को उत्तर प्रदेश ने खत्म किया है जी। ये पार्टियां अब नहीं कामयाब हो रही। क्यों नहीं कामयाब हो रही हैं? देखिए केवल एक समाज के या दो समाज के वोट लेकर वो अंगकड़ित नहीं बनता है जो आप विधानसभा या लोकसभा का चुनाव जीत सके। उसके साथ एक तीसरा वोट बैंक मिलना आवश्यक है। वो तीसरा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक था, मुस्लिम वोट था जो इनको मिलता रहा। वो मुस्लिम वोट अब बहुत अलर्ट हुआ है, वो एजुकेट हुआ है, वो अब भी टीम को पहचानता है। आप मायावती के बयान को देखिए, मायावती के चुनाव में हर्ष को देखिए, उनको अपनी राजनीति ठीक करनी पड़ेगी। तो मुस्लिम वोट हटा यहाँ से, तो ये जो आरएसएस और बीजेपी को मदद करने वाली जो पार्टियां थी वो उनमें तब्दीली। और पहली बार ये हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की राजनीति में पहल की है और एक बड़ा वोट उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुस्लिम्स का भी और वंचित समाज का भी जी। इन तब्दीलियों से उत्तर प्रदेश की राजनीति अब हमेशा के लिए मतलब अगले 15-20 साल के लिए बदल गई है। मैं हर बार कहता हूँ राजीव जी कि चुनाव में एक नया पॉलिटिकल आइडिया निकल कर आता है। इस चुनाव में एक नया जो पॉलिटिकल आइडिया निकल कर आ रहा है उसने सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नया आयाम दिया है और वो बीजेपी के लिए लॉन्ग टर्म दिक्कत की बात है। यानी घूस नहीं चलेगी, 5 किलो अनाज में भी घूस नहीं चलेगी, छोटे छोटे दलों को मंत्री बना दें, विधायक बना दें और उनसे समर्थन ले ले, वो घूस भी नहीं चलेगी। ये दुकानदारी उत्तर प्रदेश ने बंद की है और इसकी गर्मी निकालने वाले जो एक नेताजी हैं वहाँ पे वो भी महसूस करेंगे जी। गर्मी बहुत है बाहर ऐसे जी जी। प्लीज अपनी बात कीजिए जी। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब और धनंजय जी, आप दोनों का स्वागत करता हूं। और चर्चा हम कर रहे हैं
चुनाव जो बीता और उसके बाद जो सरकार चल रही है और आगे की गतिविधियां और उन सब के बीच उनकी जो चुनौतियां हैं और देश में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी कैसे इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और कैसे इंडिया गठबंधन धीरे धीरे और मजबूत इरादे के साथ मजबूती की तरफ बढ़ता जा रहा है। जल्दी से पहले आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं जो गर्मी की बात यहाँ कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, जरा यहीं से बात बढ़ाइए आगे। और अगर गर्मी की बात होती है तो सर्दी या गर्मी, ये दोनों शब्द का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में ही होता है। राजीव जी, उत्तर प्रदेश वालों ने मनोरमा जी कुछ जोड़ रहे हैं। मैं इनपुट एक बस दे रही कि उत्तर प्रदेश में इसका उपाय भी हो रहा है, बनारस में मेंढक मेंढकी की शादी करा दी गई है। अच्छा जी, ये सही है जी, ऐसे ही उपाय आते हैं। तो राजीव जी, मेढक मेढकी की शादी तो जो है वो बनारस ने अपने ऊपर जो बला है वो टालने के लिए की है, वो बला बनारस के ऊपर जो है उसको टालने के लिए की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजीव जी, गर्मी के मौसम में सर्दी कर रही है ठीक, गर्मी में जो सर्दी जाते थे ना तो उनके लिए सर्दी का। अमलेंदु जी को लगता है गर्मी लग गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूँ। धनंजय जी, हाँ अमलेंदु जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे चुनाव के दौरान भी कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा, और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित हुआ। ये अब चुनाव के परिणाम आए तो हम लोगों ने देख लिया है। अगर इस पर ना भी जाया जाए कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या गड़बड़ियां हुई, मशीनरी ने क्या क्या काम किए, चुनाव आयोग के ऊपर क्या क्या आरोप थे, इस सब पे ना भी जाए तो भी जो जनादेश है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू ही साबित हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो सर्दी गर्मी, राजीव जी, जनता किसी की भी सर्दी गर्मी निकाल सकती है, तो जनता को यह धमकी देना ठीक नहीं है कि आप सर्दी निकाल देंगे कि गर्मी निकाल जी जनता कमी। अभी राजीव जी, ये बुलडोजर जो है जो यूपी से चला था वो हैदराबाद पहुंच गया है, अभी मैं देख रहा था वो तो जगन मोहन रेड्डी है उनका वहां कोई घर है हैदराबाद में किसी पॉश कॉलोनी में, और वहां कोई अतिक्रमण था तो वहां जो है बुलडोजर चला है। तो ये बुलडोजर जो आपने यूपी में इजाद किया तो ये यूपी में ही चलेगा, ऐसा नहीं है और लोगों ने भी ले लिया। तो यानी जिस राजनीति पे आपका एकाधिकार था वो एकाधिकार भी खत्म हो रहा है, और उत्तर प्रदेश आपके लिए यानी बीजेपी के लिए वाटरलू साबित हुआ है। मोहन भागवत जी आज पहुंच गए हैं, बताया जाता है गोरखपुर में, उनकी शायद योगी जी से कुछ मुलाकात भी होनी तय है, अब पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, अभी सूचना नहीं है, लेकिन वो मुलाकात जो होगी तो वो क्या करेगी बीजेपी की राजनीति में, राजनीति इसको भी हमको लगता है कि देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जल्दी से आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है और आपके जरिए और समझना चाहता हूं कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है महाविकास आघाड़ी की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही हमलावर नजर आए उद्धव ठाकरे भी और शरद पवार भी। और शरद पवार तो साफ साफ कह रहे थे कि जहां जहां पांव पड़े संतन के, यानी जहां जहां नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए वो सब जगह पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, महाविकास आघाड़ी की जीत हुई है, आज शरद पवार ने खुल के कह दिया। और याद कीजिए कि चुनाव के दौरान शरद पवार के ऊपर कितनी फप्तियां कसी गई थी और नरेंद्र मोदी ने कैसी कैसी बातें की थी, शायद उन सब का जवाब आज दे रहे थे शरद पवार। क्या यहां से आगे की रणनीति और विधानसभा चुनाव इसी साल है महाराष्ट्र में, ये सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक चुनाव जो यहां होना है दिल्ली में सदन के अंदर, उस चुनाव में भी इन तमाम दलों का बहुत बड़ा योगदान, हाथ साथ सब रहने वाला है, कैसे देखा जाए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक? धनंजय जी। जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही है आपकी, चलिए कोई बात नहीं। धनंजय जी एक बार आप रिकनेक्ट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। जरा गर्ग साहब के पास आता हूं, गर्ग साहब थोड़ा और इस चर्चा को एक दिशा देंगे, जरा उनसे और समझता हूं कि क्या कुछ होने जा रहा है। और गर्ग साहब, 24 तारीख से सदन की का जो लोकसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है और 27 तारीख से राज्यसभा है, 3 तारीख तक चलनी है, 9 दिनों का ये सत्र, लेकिन इस सत्र में एक पिक्चर तस्वीर सामने होगी और इस तस्वीर में
सत्ता पक्ष जो है उसमें जो है उसमें एक अकेला सब पर भारी, ये हम सुनते आए हैं, लेकिन विपक्ष यहां पर कई सारे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, गौरव गोगोई, अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, ये तमाम नेता वहां पर रहेंगे अंदर। तब क्या जब ऐसे नेता, युवा नेता जो कई मंचों से बहुत कुछ बोलते हुए गरजते हुए सुने गए इस चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, क्या ये प्रभाव भी पड़ता है जब सदन के अंदर इतने सारे होते हैं? एक प्रभाव तो पड़ता होगा, कितने बड़े नेता भी क्यों ना हो। जरा आपसे समझना चाहता हूं, यहीं से आगे की तस्वीर आपके जरिए देखना चाहता हूं। गर्व साहब, देखिए 4 जून को नतीजे आए थे और हम 15 जून को ये बातचीत कर रहे हैं, 10 दिन हो गए और 24 तारीख तक 10 दिन और हो जाएंगे। चुनाव के नतीजों के बाद से भारतीय जनता पार्टी में हड़बड़ी मची हुई है, एक हलचल मची हुई है। आरएसएस ने हमला किया हुआ है, आपने देखा कि गोरखपुर में भागवत पहुंचे हुए हैं, वो योगी से बैठक कर रहे हैं, मतलब मोदी से नहीं कर रहे हैं, नड्डा से नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रभाव आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में विभाजन हो गया ऑलरेडी, कि एक भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व वाली अलग खड़ी हो गई है, जिससे हार के कारणों पर भागवत बात कर रहे हैं। और सेंट्रल लेवल पर अभी कोई जानकारी है कि 27 तारीख को कुछ बातचीत होगी या उसके बारे में कुछ चर्चाएं होंगी। मेरा मुद्दा यह है कि 4 तारीख के बाद से 10 दिनों में इंडिया गठबंधन ने सड़कों पर क्या किया या देश में क्या किया मोबिलाइजेशन के लिए, मास मोबिलाइजेशन के लिए, या जो जीत प्राप्त हुई है 52 से 99 की का आंकड़ा हो गया, 101 का हो जाएगा, और बाकी के 10 दिनों में क्या होने वाला है। तो हम चीजों को देखने के दो नजरिए हैं राजीव जी। एक नजरिया तो ये कि हम ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से कमजोर हो रही है। आपने बताया महाराष्ट्र का, वो ठीक है, महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव है इस साल। आप देखें कि महाराष्ट्र से 6 लोगों को मंत्रिमंडल में लिया गया, हरियाणा से 3 लोगों को लिया गया, बिहार में चुनाव है तो 8 लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया है। तो अगर आप टोटल स्ट्रेंथ देखें कि 3 राज्यों से 71 लोगों में 17 लोगों को लिया, अगर इवन 25% लोग इन 3 राज्यों के हैं, तो कितना जबरदस्त तरीके से मोदी जी ने काम करना शुरू कर दिया है। और जो डर है वो ये डर है कि ये 5 साल ऐसे नहीं निकाल दें। हम केवल ये बात करते रहे कि मोदी जी कमजोर हो गए हैं, बीजेपी कमजोर हो गई है, आरएसएस ने हमला चालू कर दिया है और इनके झगड़े चल रहे हैं। ये डिस्ट्रेक्शन भी हो सकता है, हमारे हमें भटकाने का या नागरिकों को भटकाने का एक की कोशिश भी हो सकती है कि ये बताएं कि देखिए, और हम उसी में लग जाएं, पूरा देश उसमें लग जाए और ये 5 साल निकाल दें। मतलब अभी इटली होके आए, फिर और देशों में, मतलब बगैर शपथ लिए, जैसे पूर्णकालिक प्रधानमंत्री हो उसके तौर पर ये विदेश हुआ है। एक एक दिन जो है इस समय विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत कीमती है। और ये जो 2 राज्य हैं हरियाणा और महाराष्ट्र, इनमें
इंडिया गठबंधन का जीतना बहुत जरूरी है और अगले साल बिहार में जीतना जरूरी है, क्योंकि ये जो तीन राज्य हैं ये मोदी सरकार के स्थायित्व को या मजबूती को भी तय करेंगे। और 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसको भी तय करेंगे। तो मैं आपको एक ही उदाहरण दूं कि इतने सारे मुद्दे जो अभी इस समय नागरिकों के बीच में खड़े हो रहे हैं उनको लेकर क्या आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से कोई सम्मिलित प्रयास आपको सड़कों पर या देशव्यापी नजर आ रहा है? हम लोग अभी जिस चर्चा में हैं वो ये है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी कि वायनाड से लड़ेंगी, या विपक्ष के नेता राहुल गांधी होंगे कि नहीं होंगे, या 24 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है उसमें विपक्ष घेरेगा कि नहीं घेरेगा। कई मुद्दे हैं, मतलब स्पीकर कौन होता है, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मिलती है कि नहीं मिलती है। ये जो सरकार का रवैया है, आपने देखा कि अरुंधति राय के खिलाफ जो मुकदमे की अनुमति दी गई यूएपीए के तहत, तो ये सरकार क्या अपने जो ड्रेकोनियन कानून है उसके तहत नागरिकों पर काम करने के तरीके बंद करने वाली है कि नहीं करने वाली है? जुलाई में वो जो आईपीसी और सीआरपीसी के अमेंडेड जो सीआरपीसी और आईपीसी है उसकी धाराएं लागू हो जाएंगी। देश को क्या जागरूक किया जा रहा है कि आप देखिए कि खड़के जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो ठीक है, अपनी जगह ठीक है। इसको वो जो चुनाव में प्रकट हुआ है कांग्रेस के प्रति समर्थन और राहुल गांधी की दो यात्राओं में जो समर्थन प्रकट हुआ है उसको अब एक्सटेंड करने की जरूरत है। मतलब बीजेपी इस समय सबसे कमजोर है और इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को चाहिए कि वो जो इनका जो जिस चीज को लेकर लोगों ने मैंडेट दिया इतना बड़ा कि बीजेपी को रोक दिया आगे बढ़ने से, उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है। या आप मतलब हम जैसा जानते हैं मोदी जी को और अमित शाह को, हार मानकर बैठ जाएंगे या चीजों को स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहता हूं कि बीजेपी पर आक्रमण हो रहा है ये विपक्षी गठबंधन की ताकत नहीं बन सकता, ये मेरा मानना है। या आरएसएस का आक्रमण अगर हो रहा है बीजेपी पर तो वो कांग्रेस की ताकत नहीं बन सकता। मतलब कांग्रेस की या विपक्ष की ताकत के लिए कांग्रेस को और विपक्ष को नए सिरे से या जो शक्ति प्रकट हुई है उसको और आगे बढ़ाना। अभी चुनाव है, मान लीजिए ये विधानसभा के उपचुनाव है और उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव है, मेरे ख्याल से 9 सीटों पर, 9 सीटों पर जी। आप ये पहला टेस्ट तो विपक्ष का यही होने वाला है जो उपचुनाव है, उसके बाद दूसरा टेस्ट होगा वो ये टेस्ट होगा कि जो विधायक सांसद बन गए हैं उनकी जगह जो चुनाव होंगे वो दूसरा टेस्ट होगा, तीसरा टेस्ट ये होगा कि जो राज्यों के चुनाव होने वाले हैं वो तीसरा टेस्ट होगा। एक बड़ी तैयारी मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए और विपक्षी गठबंधन के लिए जरूरी है और इस मोड से निकलना पड़ेगा कि ये जो चुनाव की में जो सफलता प्राप्त हुई है ये पर्याप्त नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जितनी होना चाहिए वो अब और प्राप्त करने की कोशिश होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें और कोशिश होनी चाहिए। और यहाँ
कुछ धरातल पे करते हुए नजर आना चाहिए। हालांकि नीट वाला जो मामला है, इस मामले पे कांग्रेस पार्टी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आई, अलग अलग बयान देते हुए इंडिया गठबंधन के नेता नजर आए, लेकिन इन सब के साथ सड़क पे इनको आना चाहिए। ये आपका सुझाव बहुत वाजिब है और यहाँ से एक मजबूती भी दिखेगी और इंडिया गठबंधन को खासकर एकजुट होकर के इस मसले पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यूथ कांग्रेस ने हालांकि दिल्ली में और कई जगहों पे सड़क पे प्रोटेस्ट करते हुए वो नज़र आए, लेकिन यहाँ यूथ कांग्रेस की बात नहीं, गर्ग साहब बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, उनकी रणनीतियों की, और एक मजबूत अगर उनको मजबूती दी गई है जनता के द्वारा और विपक्ष में अगर है तो विपक्ष को मजबूत होना भी ज़रूरी है और उनकी रणनीतियों को यहाँ सड़क पे लाना या धरातल पे लाना कह सकते हैं, ग्राउंड पे लोगों के बीच दिखना भी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिस पर चर्चा हो रही है। एक बार आना चाहता हूँ धनंजय जी आपके पास, आवाज़ मेरी आ रही है धनंजय जी? जी बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल कड़क आवाज हम तक आ रही है। धनंजय जी कैसे देखते हैं आप महाराष्ट्र की बात और जो अभी गर्ग साहब कह रहे थे, क्या धरातल पे कुछ काम करते हुए नजर आते हैं महाविकास आघाड़ी के लोग? जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और यहां से क्या कुछ निकलता हुआ नजर आता है, क्या देखे हम? और महाराष्ट्र से दिल्ली तक शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये सब ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में स्पीकर के चुनाव पर भी असर डाल सकते हैं और महाराष्ट्र में जो अभी ही 6 महीने में चुनाव होना है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव होना है सितंबर के आसपास, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शरद पवार थे उसमें, उसके बाद उद्धव ठाकरे थे, कांग्रेस के भी नेता थे पृथ्वीराज चौहान, और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया कि जो गलतफहमी, देखिए बीजेपी गलतफहमी फैलाने की मास्टर है, उसको गलतफहमी खूब बढ़िया से फैलाने आता है। हालांकि अब कांग्रेस भी कांग्रेस उसका उल्टा जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। आज ही मैं ट्विटर पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी ने कितना घर दिया 10 साल में और मनमोहन सिंह के दौरान कितने घर दिए गए गरीबों को 10 साल में, इसका अंतर बतलाया है। और हम आपके चैनल पे ही कई बार हमने कहा था कि कांग्रेस के लिए जरूरी ये हो गया है वो सब सामने रखे, अगर बीजेपी और पूरा तंत्र उनका खूब सामने रख रहा है, कांग्रेस सामने रखे और कांग्रेस ने सामने रखना अब किया है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आवाज थोड़ी आपकी हो रही है, डाउन हो रही है जी। अब जो है, अब मुझे लग रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी गलतफहमी फैला रही है उसको ठीक करने का काम कर रही है तीनों पार्टियां, महाविकास आघाड़ी, और महाविकास आघाड़ी जो कर रही है, देखिए चुनाव जो हुआ लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ के आम नागरिक महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े, बीजेपी के साथ खड़े नहीं है। और बीजेपी ने जो किया है का असर देखने को मिला कि 23 सीट से घटकर बीजेपी 9 सीटों पर क्यों आ गई? सबसे खराब प्रदर्शन अगर किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है, और वो खराब प्रदर्शन ये बता रहा है कि जो उसने तोड़ फोड़ किया शरद पवार जी की पार्टी के भीतर, शिवसेना के भीतर, उस तोड़ फोड़ से महाराष्ट्र की जनता नाराज हुई है। और एक और बात है, देखिए महाराष्ट्र जो है सामाजिक न्याय की भूमि रही है पहले से, चाहे सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, या साहू जी महाराज, या अंबेडकर, या और भी बहुत सारे लोग आए उनकी बात करें तो उसमें तमाम लोग जो है यहाँ सामाजिक न्याय सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। और जो है शरद पवार जी हो या कांग्रेस हो या और कोई पार्टियां, बीजेपी जब आती है तब बीजेपी को आने में बहुत वक्त लग गया, हालांकि आरएसएस यहीं से शुरू हुआ है, लेकिन बीजेपी को वक्त लग गया, और वक्त इसलिए लगा कि हिंदुत्ववादी शक्तियां यहाँ उतनी मजबूत नहीं है कभी। और जब संविधान की बात आई, जब आरक्षण की बात आई तो सारे लोग खड़े हो गए खिलाफ। और महत्वपूर्ण ये देखिए कि कांग्रेस को जिस तरह से सीटें मिली, और इवन जिस तरह से मुंबई में 3 सीटें मिल गई शिवसेना को, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि मुस्लिमों ने भी वोट किया शिवसेना के पक्ष में। और हिंदूवादी जो शक्तियां हैं, जिसको कथित हिंदूवादी मैं मानता हूं, जो लग रहा है कि जो बाला साहब ठाकरे जिस तरह का हिंदुत्व की बात करते थे वो हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, मैं बोलूंगा उद्धव ठाकरे अब सही जगह पे आके खड़े हैं, और उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के विकास को लेकर के, मराठी मानुष के आगे बढ़ने को लेकर के काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया उसमें महाराष्ट्र का कद,
महाराष्ट्र का सर नीचे हुआ, ये महाराष्ट्र की जनता ने महसूस किया। वो मराठी मानुष जो है, जो मुंबई का जो कल्चर है, मुंबई के जो शान है, यहाँ पे लोग रोजगार के लिए आते हैं, यहाँ बहुत विकसित स्टेट है ये, यहाँ पे कई सारे इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, तमाम चीजें। लगातार नरेंद्र मोदी जी के काल में ये प्रयास हुआ कि महाराष्ट्र से कैसे कंपनियों को बाहर ले जाया जाए, गुजरात ले जाया जाए। इसलिए गौर कीजिए कि जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी से अलग हुई है, शिवसेना शिंदे गुट है, उनको जहां भी बहुमत मिला या जहां भी वोट मिले, वो ज्यादातर सीटें वो है जहां पे गुजराती, मारवाड़ी, उत्तर भारतीय ज्यादा संख्या में, वो चाहे ठाणे का इलाका हो, कन्याल का इलाका हो, तमाम इलाकों। बाकी दो जगह पे जो उनको जीत मिली, वहां पे AIMIM ने जो है वो महाविकास अघाड़ी का खेल बिगाड़ा, क्योंकि मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ वहां। नहीं तो अगर वो बिखराव नहीं हुआ होता, या उत्तर प्रदेश के लोग या जो है मराठी या गुजराती या मारवाड़ी एक तरफा नहीं होते, तो इतनी सीटें उनको नहीं आती और ज्यादा सीटों पर महाविकास अघाड़ी को लाभ होता। लेकिन हम लोग जितना चाह रहे थे, हमें लग रहा था कि 35 सीटों पर कम से कम महाविकास अघाड़ी आएगी, 5 सीटें घट गई। उसके कई कारण है और वो कारण बहुत ऐसे नहीं है जिसको सुलझाना पड़ेगा महाविकास अघाड़ी को। महाविकास अघाड़ी को अपनी ताकत के साथ लड़ना है। और बाकी एक दिक्कत ये थी कि जो चुनाव चिन्ह उनके थे, जो जिस तरह से उनको परेशान किया गया, उनको लोगों तक पहुंचने में दिक्कत हुई, वो तमाम चीजें हुई। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि शिवसेना जो है, असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है। अजीत पवार को तो जिस तरह से किनारे करने की बात खुद बीजेपी करने लगी है, उससे सारी चीजें समझ में आ गई है। छगन भुजबल नाराज हैं क्योंकि छगन भुजबल को किनारे कर दिया गया, न राज्यसभा का टिकट, न लोकसभा का टिकट, नारायण राणे जी को मंत्री नहीं बनाया गया, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। तो कांग्रेस, ये एक बीजेपी ने ये भी बताया है कि हमारे भीतर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको प्रमुखता देने के बजाय पार्टी के भीतर के लोगों को प्रमुखता दी जाए। इसलिए देखिए, कैबिनेट मंत्री तक नहीं बनाया गया शिंदे से आए हुए लोगों, ये मैसेज गया भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच, ये मैसेज भेजा गया कि हम भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आप बाहर से आए हुए लोगों को नहीं। तो विधानसभा चुनाव में अजीत पवार तो किनारे कर दिए गए लगभग, समझ लीजिए। अब राज ठाकरे भी किनारे होकर के खुद ही लड़ना चाह रहे हैं कि राज ठाकरे को भी लग रहा है कि बीजेपी के साथ अगर है तो हम हार सकते हैं, हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, और बीजेपी इस वजह से घबराई हुई। शिंदे को कितनी सीटें देगी बीजेपी, इस पर भी चर्चा चल रही है बीजेपी के भीतर, और बीजेपी चाह रही है कि लड़े, बीजेपी अकेले लड़ना चाहती है। एक और खास बात है, इसमें कैसे बीच बचाव होता है, शिंदे गुट को छोड़ने में भी लग रहा है बीजेपी को कई नुकसान है, कि वो जो है ना कहावत भाई गति सांप सुंदर केरी, वही हो गया है बीजेपी के साथ। और मुझे लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी ने जिस तरह से अपना एकता का प्रदर्शन किया है, उससे महाविकास अघाड़ी को फायदा है, और अगली सरकार जो बनने जा रही है उससे महाविकास अघाड़ी की सरकार बन ही जाएगी, ऐसा अभी तक कुछ दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई जगह नहीं दिख रही है तो उसको कोई घाटा होने वाला। जी, यहाँ से बहुत सारी तस्वीरें साफ साफ दिखाई देती हैं। प्रशांत टंडन जी, यहाँ एक तरफ आप देखिए लोकल जो मतलब विधानसभा के चुनाव हैं, दूसरा नई नवेली सरकार, और उस सरकार, वो सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, और गर्ग साहब की जो चिंता, जो बात यहाँ कह रहे थे कि यहाँ चर्चा यही होती रहेगी कि सरकार जो है वो कमज़ोर है, बीजेपी कमज़ोर है, 240 सीटें आई, सरकार पे काबिज हो गए नरेंद्र मोदी, अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन कर लिया और 72 में से 61 बीजेपी के लोगों को वहाँ ले आए मंत्रिमंडल में, जिनको जितनी जो जो पद पहले दिया गया था वही पद अभी भी है, तो सब कुछ तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, जो चल रहा है, जो चलते आ रहा था, ये बताने दिखाने की कोशिश उन्होंने इस तीसरे कार्यकाल में जरूर की है कि हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन फर्क नहीं पड़ा है और ये वो दिखाने में अभी तक सफल हो रहे हैं, लेकिन ये इंडिया गठबंधन का कर्तव्य है कि ये बताए कि उनके ऊपर कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, जरा इसको आपके जरिए समझना चाहता हूं। प्रशांत जी, ने आपके डिबेट में कहा था कि मोदी साहब ने जनादेश को ठेंगे पर रखा, और अगर वो समझदार नेता होते या वो ताकतवर नेता होते, हिम्मती होते, तो उन चेहरों को बदलते जिन चेहरों को जनता ने रिजेक्ट किया, वो कर नहीं पाए। इसको उनकी बहादुरी मत समझिए, ये उनकी मजबूरी है।
और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी चर्चा आगे आने वाले दिनों में करेंगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है यहाँ पे। देखिए, अगर उन्होंने अमित शाह को बनाने की मजबूरी है और अमित शाह गृह मंत्री रहते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो उनको रिपोर्ट करती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उनको अजीत डोभाल को भी रिटेन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? एनटीआरओ अजीत डोभाल के पास है। तो ये जो बैलेंस है, मोदी साहब इसमें खेलते हैं कि वो एनटीआरओ जो है वो टेक्निकल इंटेलिजेंस है, पावरफुल बॉडी है, चिदम्बरम ने बनाई थी, जितना फोन ईमेल रेडियो मैसेजेस वो सारे कुछ वही देखते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो लार्जली ह्यूमन इंटेलिजेंस की बॉडी है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, उन पावर सेंटर्स के अंदर फंसे हुए मोदी हैं। मैं उनको ये नहीं मानूंगा कि बहुत, अगर वो बोल्ड होते तो बदल देते एक झटके में और कहते कि जनता ने आदेश दिया है। मान लीजिए कि अमित शाह इनके बड़े मैन फ्राइडे हैं, क्राइसिस मैनेजर हैं, निर्मला सीतारमण तो नहीं है। और निर्मला सीतारमण का मैं आपको बता सकता हूं कि अभी जो ट्रेड डेफिसिट है, इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट, वो हाईएस्ट है 7 महीने का, $24 बिलियन पे। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है 15 महीने का हाईएस्ट है। मैं बता चुका हूं कि फिजिकल डेफिसिट का जो रेशियो है जीडीपी से वो 6% रहा है, जो कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ उसको 3% कहने का करता है। मैं उसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके इम्प्लीकेशंस इकोनॉमी में हैं जी। नौकरियां नहीं पैदा हो रही है, तमाम तरीके से जो आर्थिक जो वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। पर वो फिफ्थ इकॉनमी के चार्ट पर मत जाइए, आप देखिए कि 130वें नंबर पर कैपिटा जीडीपी है हमारे देश की, दुनिया में 130वें नंबर पर कैपिटा जीडीपी में हम हैं, वो मैटर करता है। मैं उसकी इकोनॉमिक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ राजीव जी कि सोसाइटी, समाज, कोई बिजली का बल्ब नहीं है कि नरेंद्र मोदी स्विच दबा देंगे वो ऑन हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्विच दबा देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। समाज ने एक ट्रेंड दिखाया है, वो ट्रेंड दिख रहा है कि हिंदुत्व और 5 किलो राशन जैसी पॉपुलिस्ट योजनाएं वोट में तब्दील नहीं हो रही है, नफरत की राजनीति नहीं चल रही है। चल रही होती तो इतनी नफरत की राजनीति हुई है, टेलीविजन चैनल का इस्तेमाल हुआ है, नेताओं बयान, प्रधानमंत्री की हर रैली, कौन सी एक भी स्पीच थी पूरे चुनाव में जिसमें नफरत उन्होंने नहीं परोसी, उसके बाद भी अगर आपको बहुमत नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि समाज एक दिशा दिखा रहा है और ये उस तरफ चल पड़ा है। अब वो आगे कंसोलिडेट होगा, मैं गर्ग साहब की बात से एग्री करता हूँ कि इंडिया गठबंधन को उसमें कंसोलिडेट करना चाहिए, उस तरफ काम करना चाहिए। वो काम आपको मतदाता ने एक दिशा दिखा दी है। एक दूसरी बात देखिए, कांग्रेस ने अपनी राजनीति को बदला है, इसका क्रेडिट मैं राहुल गांधी को देता हूं। मान लीजिए राहुल गांधी नहीं होते तो कांग्रेस चुनाव किस पे लड़ रही होती कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पार्टी हैं, हमने मनरेगा किया था, हम आरटीआई लेके आए थे, कांग्रेस चुनाव इस पे लड़ रही होती या नरेंद्र मोदी की नाकामियों पे लड़ रही होती। एक एजेंडा कि हम जातिवार जनगणना करवाएंगे, हम ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में बाकी जातियों को भी खोलेंगे जनरल कैटेगरी के अलावा, हम 50% की सीलिंग हटा देंगे, ये जो एजेंडा, सोशल एजेंडा दिया राहुल गांधी ने, ये कांग्रेस ने अपनी राजनीति को बदला है। बीजेपी ये काम नहीं कर पाएगी, बीजेपी अपनी राजनीति को हिंदुत्व के अलावा किसी और राजनीति को नहीं अपना सकते, कम से कम मोदी जी के नेतृत्व में तो बिल्कुल भी नहीं अपना सकते। आप सोचिए
कि कल नेस्ले कंपनी है उसकी इंस्टेंट कॉफी लोग लेना बंद कर दे, वो क्या बनाएगी? उसके सामने क्राइसिस हो जाएगा किसी भी कंपनी में जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है उसका। मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट हिंदू मुस्लिम नफरत के आधार पर उनको वोट मिलता है, उसको जनता ने अस्वीकार कर दिया है। ये सबसे बड़ी उनकी जो बड़ी हार है वो यहाँ है कि वैचारिक विफलता है। अब इसको नरेंद्र मोदी नहीं बदल सकते। वो कॉफी हाउस कल को चाय बेचने लग जाएगा तो कॉफी हाउस में कोई नहीं जाएगा। तो ये उनके सामने जो क्राइसिस है वो ये है। बाकी जो दूसरी बातें हमने गिनाई कि किस तरीके से सोशल जो रीअलाइनमेंट हो रहा है सोशल पॉलिटिक्स का, सोशल फोर्सेस का, उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। इमीडिएट जो देखिए नरेंद्र मोदी को परफॉर्म करना है, जॉब्स क्रिएट करना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को नीचे लाना है। किसान अभी बिजी है, अभी उसको मानसून आने वाला है, वो अभी धान की फसल लगाने के लिए बिजी है। वो फसल लगाने के बाद फिर आएगा MSP की मांग करने। सोशल रेजिस्टेंस बढ़ेगा और हिंदुत्व ने क्या किया जिसको लोगों ने पकड़ लिया, हमको समाज की इंटेलिजेंस को भी देख पढ़ना पड़ेगा। सोशल हिंदुत्व क्या कर रहा था? नफरत की राजनीति सोशल रेजिस्टेंस को किनारे कर रही थी कि आप नौकरी का सवाल नहीं उठाओ, आप वेजेस का सवाल नहीं उठाओ, आप MSP का सवाल नहीं उठाओ, आप दलितों को मारा जाता है घोड़ी पे चढ़े तो उसको मारा जाता है कुएं नहीं, ये सवाल मत उठाओ। सारे सवाल सामाजिक आर्थिक रोजगार विदेश नीति की विफलता, सारे सवाल एक ही कठरी में लपेट दिए जाते थे, हिंदुत्व की कठरी। जनता ने इसका जवाब दिया है कि नहीं, इस पे ही बात करेंगे, उस पे ही बात करेंगे। तो सोशल रेजिस्टेंस अभी लौटेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं इसको कि देख रहा हूं कि अब जंतर मंतर भी आवाज होगा, पार्लियामेंट की आवाजें भी आएंगी, और ये मीडिया और मोदी का नफरत वाला फॉर्मूला अब ढलान पर है। ये नहीं होगा कि सोसाइटी ने आज ये कह दिया और कल दूसरा कह दिया। बिजली के बल्ब नहीं है वो, राजीव जी। जी, बहुत कुछ बदलते हुए लौटते हुए आप देख रहे हैं। मनोरमा जी, आप क्या कुछ देख पाती हैं यहाँ से? क्या आगे की तस्वीर आपको दिखाई देती है? क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, 18वीं लोकसभा और 5 साल का अगला कार्यकाल, रहेगी सरकार नहीं रहेगी, ये इसकी चर्चा को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें। तो अब एक मजबूत गठबंधन, इंडिया गठबंधन, विपक्ष मजबूत, और ऐसे में ये कितनी चुनौती देते हुए नजर आते हैं आपको? यहाँ पर श्रवण गर्ग सर ने कहा, वो कंसर्न मेरा दूसरा पक्ष था जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक, और अभी प्रशांत टंडन सर ने भी कहा कि जो काम उस जैसे अभी कर्नाटका में ही देख लीजिए, थोड़ी सी चिंता शुरू हो गई क्योंकि बार बार ये बात की जा रही है टसल की, सिद्धारमैया और DK शिव कुमार की, कि 2.5 साल के बाद जो है वो मुख्यमंत्री वो रहेंगे, तो क्लेरिफिकेशन उनको देना पड़ रहा है कि मैं 5 साल के टर्म में रहूंगा। लेकिन फिर भी सवाल तो उन्होंने उठाया है कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री थे, अब टुमकुर जैसी जगह में जो सिद्धारमैया का गढ़ माना जाता है, वहां पर लोकसभा में बुरी तरह से हार जाना, तो ये सवाल। और DK शिव कुमार के भाई का भी उस सीट से, जिस सीट पे पिछले साल जीत मिली थी, पिछले वो इकलौती सीट कांग्रेस को वहीं से मिली थी, वहां पे DK शिव कुमार के भाई का हार जाना, तो ये तमाम चीजें जो है लोकसभा में जो चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन कर्नाटका में रहा जिसको लेके बहुत उत्साहित थी, और 5 गारंटी स्कीम थी, तो एक कोई नई रणनीति की जरूरत पे जोर दे रहा और चिंता की बात पैदा कर रहा है कि आगे जो है ये बरकरार रहेगा ये नहीं। बात सिर्फ इसकी नहीं है, बात इसकी भी है बहुत, तो यहाँ तक रिटेलिएशन की बात जो होती है कि मतलब अब स्कीम्स हटा लेने की बात होने लगी कि जब रूरल जनता भी वोट नहीं कर रही है कांग्रेस को तो इन गारंटी स्कीम्स का क्या मतलब है, एक वो होता है। दूसरी जगह और भी जगह, जैसे तमिलनाडु में भी इलेक्शन होना है, वहाँ पे जो है वोट परसेंट बेटर किया है
केरल में जिस तरह से है, तो जैसे कि बीजेपी को पता था कि यूपी में हार होने वाली है या स्थितियां अच्छी नहीं है, तो उन्होंने इस तरफ में काम करना शुरू किया था, जैसे उड़ीसा में ही काम किया। ये गैप कांग्रेस भर सकती थी जो कि कांग्रेस ने नहीं भरा, तो आप देखिए उसका फायदा हुआ। तो बीजेपी के की रणनीति में बहुत सारी चीजें हैं कि वो अगर उनकी तैयारी बहुत पुख्ता होती है, तो वो अगर इस तरह से देख रहे हैं कि कहाँ पे घाटा हो रहा है तो किसी और जगह में शिफ्ट होने को वो तैयार होते हैं या वहां पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। साउथ में काम करने का आपको असर दिखा, तेलंगाना में दिखा ही, आंध्र में दिखा ही, तो ये जो है एकदम बराबर बराबर पे है आपको देखे तेलंगाना में, तो ये सारी चीजें। और विधान मतलब अब जो है एक मजबूत कंटेंडर आप समझ सकते हैं बीजेपी को तेलंगाना के अगले इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में। तो तमाम जगहों की जो विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, चाहे वो बिहार का हो, चाहे इधर महाराष्ट्र का हो, और अभी जो है तमिलनाडु का भी इलेक्शन होने वाला है, तो ये तमाम जगह पे है जहाँ पे बीजेपी अपने एफर्ट लगाएगी। लेकिन इसके साथ थोड़ी सी स्पष्टता जो है, देखिए ये मान करके ये लगातार जो एक बिल्ली के भाग से छींका फूटा, ये वाला मुहावरा कांग्रेस को या जो भी कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लिए जो कर रहे हैं उनको ये चीज छोड़ना पड़ेगा। उनके चाहने से छींका नहीं फूटेगा, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक सुस्पष्ट नीति, चाहे वो जाति जनगणना को लेकर जो वादा किया उन्होंने। तो अब समय आ गया है कि अब तमाम जगह के जो चुनाव हैं सब जगह, उन सब राज्यों में इन सब को लेकर के एक जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है, प्लस जो सामाजिक न्याय का जो है उसको लेकर के भी सिर्फ बात हुई है। स्पष्टता क्या है कांग्रेस नेतृत्व तो खास तौर पर राहुल गांधी का, अगर वो एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं तो उन इसको लेकर के सबसे ज्यादा स्पष्टता राहुल गांधी की तरफ से आनी चाहिए। सिर्फ आप एक अच्छी लगने वाली बात बोल करके इसको नहीं रख सकते हैं कि आप जब इसको जब आप पार्टी में टिकट दे रहे हैं तो भी इसका इसका जो है रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि जब आप इस बात को लेकर के आगे आए हैं और जनता ने इसको स्वीकारा है, जहां कहीं भी इस आधार पे वोट मिलने थे, समर्थन मिलना था, मिला है, तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी को इस पे बहुत स्पष्ट होकर संवाद करने की जरूरत है और बहुत क्लैरिटी से पार्टी से लेकर के गठबंधन के तमाम जो सहयोगियों का सीट और ये सारे सारे चीजों में इसका रिफ्लेक्शन जरूरी है, तभी ये जो है इनके फेवर में हो पाएगा। नहीं तो फिलहाल ऐसी कोई जो है कमजोरी एनडीए की तरफ में नहीं दिख रही है, वो एक कंफर्टेबल इसमें सरकार चला सकते हैं। तो इनके लिए जो है चुनौती ये है कि आप जैसे स्पीकर का पोस्ट था उसको लेकर के जो इनकी रणनीति होती है, या फिर तमाम जो आने वाले विधानसभा चुनाव उसमें कितने और राज्यों में इनकी सरकार होती है, ये दो चीज इनको ज्यादा मजबूत करेगा जिसपे इनको काम करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, काम करना चाहिए मजबूती के साथ। इंडिया गठबंधन को एक रोड मैप यहाँ पर बताना होगा, दिखाना होगा। जरा धनंजय जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूँ। धनंजय जी, आपको भी लगता है कि एक रोड मैप की ज़रूरत है? इंडिया गठबंधन अब हो गया, जैसे गर साहब बता भी रहे थे कि 4 तारीख से लेकर आज 15 तारीख है, मतलब ऑलरेडी 10 दिन से ज़्यादा का समय, 10 दिन और आगे, और उसके बाद सदन के अंदर कौन कैसा भाषण देता है इसका हम इंतज़ार करें, या सड़क पर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं इसके लिए हम चर्चा करें? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सदन के अंदर तो सबको भाषण देना ही है, जब वहां पे बातें होंगी और सबको समय अलॉट किया जाएगा तो सबको कुछ ना कुछ बोलना तो है, लेकिन इंडिया गठबंधन क्या तैयारियां कर रहा है और कैसे घेराव करने की तैयारी, रणनीति क्या कुछ, क्योंकि जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ, दूसरे दलों के साथ है, और वैसे में एक रोड मैप तो देना ही होगा ना धनंजय जी। देखिए, रोड मैप तो देना होगा, वो बिल्कुल सही है, रोड मैप उन्होंने तैयार किया भी होगा, क्योंकि इस बार जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि एक लड़ाई केवल दो जगह नहीं है, केवल संसद में और सड़क पे लड़ाई नहीं होती है, अब लड़ाई के लिए एक और तीसरी जगह बन गई है, वो है सोशल मीडिया, क्योंकि अब मीडिया उस तरीके का है नहीं और सोशल मीडिया पे लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, और आज जो महागठबंधन की मजबूती दिखाई पड़ रही है उसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है, वो चाहे टीवी लाइव हो या और अलग अलग चैनल हो, गर्ग साहब हो, प्रशांत भाई हो, मनोरमा हो, या अमलिंदु भाई हो, या आप हो, या कोई हो, इन सबकी बड़ी भूमिका है। अब भले महागठबंधन के लोग सीधे आकर के स्वीकार करें नहीं करें दूसरी बात, तो जैसा कि मैंने कहा आपको पहले में कि कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया खुद जो है इस बात पे तैयार हो गया है कि हमको सोशल मीडिया पे लड़ना है,
और जो इतना प्रोपेगेंडा किया, गलत प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया आईटी सेल के द्वारा बीजेपी के या मेन मीडिया जो है उसके माध्यम से या अखबारों के माध्यम से या नेताओं के भाषण के माध्यम से या पीआईबी के माध्यम से कई सारे ऐसे तथ्य प्रेजेंट किए गए जो है कुछ किया कहा कुछ गया, मतलब तुलनात्मक अध्ययन उसका नहीं किया गया, सीधा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इस बार तमाम तैयारियों के साथ है और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तैयारी उसको करने की जरूरत है जो मध्य प्रदेश है, जो छत्तीसगढ़ है, जो उड़ीसा है, जो तीनों प्रदेश में पूरी की पूरी कांग्रेस बिखर गई, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही पड़ी, वो बड़ा मजबूत करने की जरूरत है। तीन प्रदेश सबसे उसके इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण ये साबित हुए कि कांग्रेस को वो तीनों प्रदेशों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। महाराष्ट्र ने साथ दिया, इवन मैं बिहार को भी बोलता हूँ कि बिहार ने भी काफी हद तक साथ दिया कि चार सीटें, अगर वहां पे गड़बड़ चीजें नहीं होती, कुछ गड़बड़ हुई, वहां गलतियां हुई, कुछ राहुल गांधी को वहां और ज्यादा समय दिया जाना चाहिए था, लालू प्रसाद यादव जी थोड़ी जिद पे आ गए, वो भी गड़बड़ हुआ, तो कई गड़बड़ी हुई, नहीं तो महाराष्ट्र वाली स्थिति बिहार में भी होती, ऐसा मैं मानता हूं। और जिस तरह से गुजरात में भी एक सीट छीन करके ले आए कांग्रेस के लोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से राजस्थान में कई सीटों पर मजबूत लड़ाई हुई और काफी सीटें छीन ली कांग्रेस ने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो भी बतलाया। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी कांग्रेस के साथ इसलिए आकर के खड़ा होना चाहता है कि कांग्रेस जो है बात कर रहा है, कर रही है संविधान की कांग्रेस बात कर रही है, जाति सर्वेक्षण को लेकर के कांग्रेस बात कर रही है, सामाजिक न्याय को लेकर के, और कांग्रेस बात कर रही है जो 8,500 का जो मैटर है, जो सबको इम्पावर करने की बात है, महिलाओं को इम्पावर करना, गरीबों को इम्पावर करना, ये सारे मैसेजेस लोगों के पास गए हैं, नहीं गए हैं ये नहीं कह सकते। अगर नहीं जाते तो जो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता मिली, महाराष्ट्र में सफलता मिली, वो नहीं मिली होती। लेकिन अब कांग्रेस को लड़ाई लड़ने के साथ साथ अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, और वो गठबंधन के साथी जो है हमें नहीं लगता कोई इंटैक्ट रहेंगे या अलग हो जाएंगे। हालांकि केजरीवाल को लेकर के दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में जिस तरह से परिणाम आए हैं उसमें फिर से कांग्रेस को एक बार सोचना पड़ेगा। मैं भी कहूंगा कांग्रेस को सोचे, चूंकि केजरीवाल जी जो है मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी से अलग है, और केजरीवाल जी के जो वोटर है वही वोटर बीजेपी के वोटर है, दोनों वोटर अलग अलग नहीं है। कांग्रेस को अलग वोटर खड़ा करना पड़ेगा और वो दिखाना पड़ेगा कि हम अलग हैं। मुझे लग रहा है ये एक मंथन की जरूरत है दिल्ली में भी। जी। बाकी जो 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 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा है, ये तीनों प्रदेशों में कांग्रेस को नए तरीके से विचार करना चाहिए मुझे लगता है, और मजबूती से राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को और जो दूसरे नेता हैं, खड़गे साहब जो मजबूत नेता हैं, उनको जाना चाहिए, और वहाँ नए नेतृत्व तो कैसे खड़ा हो, उनको कैसे इम्पावर किया जाए, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। तब मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकेंगे। और आरएसएस जो नई तैयारी कर रहा है, आरएसएस नई तैयारी क्या कर रहा है, आरएसएस नई तैयारी कर रहा है कि वो मोदी जी के बजाय अब योगी की तरफ या नया नेतृत्व देख रहा है। उसको भी पता चल गया कि जनता खिलाफ है, जो मोदी सरकार ने जो पिछले 10 वर्षों में किया है, खासकर पिछले 5 वर्षों में जो किया है, मोदी सरकार के खिलाफ आवाम है। इसलिए आरएसएस वो ड्रामा कर रहा है कि हम मोदी के साथ नहीं खड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, मोदी जी ने सब वही किया है जो आरएसएस ने चाहा है। लेकिन अब जब मोहरा पिट गया है तो जाहिर है उसको नया मोहरा चाहिए, तो नया मोहरा चाहिए, चाहने के लिए नई कहानी गढ़नी पड़ेगी। गोरखपुर में आज इसलिए गए हुए आरएसएस को, क्योंकि वो नई तरीके नई जमीन तलाश कर रहे हैं, और नई जमीन कैसे बने उसके लिए लगे हुए। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को ये बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस के पास कि आम नागरिकों को कैसे अवेयर करे संविधान को लेकर के, जो सरकार की भूमिका है उसको लेकर के, ये दोनों महत्वपूर्ण बात है और इस पे काम करने की जरूरत है कांग्रेस। जी गर साहब, हम लोग बहुत चर्चा कर लिए कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, इंडिया गठबंधन को क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, पिछले 10 दिनों में क्या हुआ, आगे 10 दिन में क्या होगा, सदन के अंदर क्या होगा। ज़रा ये समझना ज़रूरी है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी, ये रिजल्ट आने के बाद सरकार गठन हो गया, अब ये क्या करते हुए नज़र आते हैं, इनकी तस्वीर थोड़ी साफ होनी चाहिए, कहाँ ये फंसे हुए, कहाँ घिरे हुए नज़र आते हैं। ये अपने हिसाब से सब कुछ इन्होंने तो कर लिया, नरेंद्र मोदी ने इटली भी घूम आए, सब कुछ विश्व गुरु बताने की कोशिश भी करते हुए नज़र आए, लेकिन क्या उसके आगे की राह आसान है नरेंद्र मोदी के लिए?
देखिए, मैं जो देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी को जिस तरह से जानता हूँ या समझता हूँ, जानना नहीं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, समझता हूँ मैं, पिछले 20-22 सालों से जो स्टडी है वो एकदम पलटी खा लेते हैं। पलटी खाने का मतलब है कि जैसे अमित शाह ने कहा था कि दरवाजे बंद हो गए नीतीश कुमार के लिए और चंद्रा बाबू के लिए, और आपने देखा कि कैसे दरवाजे खोल दिए। उत्तर पूर्व के इलाकों में सैकड़ों चर्च जलाए गए, सैकड़ों चर्च, और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी किस तरह से पोप से गले मिल रही है इटली में। नरेंद्र मोदी की जो एक खूबी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और आरएसएस को जो सबसे बड़ा डर है वो ये डर है कि नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से आरएसएस का पल्ला छोड़ दिया है। और मोदी अपना जो एजेंडा है पूरा का पूरा, जो उत्तर प्रदेश में बैठक चल रही है अभी, उसका जो मुख्य एजेंडा हो सकता है, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ है, वो ये है कि योगी के हिंदुत्व के बल पर उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर जीवित करना है तो योगी को हटाना पड़ेगा। तो मैं जो मुझे मुद्दा आपसे बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आपको इन्हें हो सकता है कि पूरा का पूरा कांग्रेस के घोषणा पत्र को मोदी हाईजैक कर लें और उस पर काम करना शुरू कर दें मोदी, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, संसाधन भी हैं, सरकारें भी हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। तो उसमें जो विपक्ष के पास क्या इंस्ट्रूमेंट रहता है, विपक्ष के पास इंस्ट्रूमेंट यह रहता है कि सरकार को कमजोर करने के क्या तरीके हो सकते हैं या कमजोर देखने के क्या तरीके हो सकते हैं। आपने एक मुद्दा उठाया, मैं बोलना चाहता था, बोला नहीं। राहुल गांधी ने शेयर मार्केट के 31 लाख करोड़ के घपले को इतना बड़ा स्कैंडल बना के उस पर जेपीसी की मांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये नीट का जो मामला है ये तो उन बच्चों का मामला है जिन्होंने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सड़कों पर साथ दिया है और इस पूरे इलेक्शन में जिनकी भूमिका रही है। तो नीट को लेकर जिसमें जिसके तार आप देख रहे हैं कि हरियाणा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और सैकड़ों करोड़ रुपए का घपला है, ये कि 720 में से 720 नंबर 80 बच्चों को, आप सोचिए कि व्यापम से बड़ा घोटाला है। और व्यापम में भी कुछ नहीं किया मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने, और ये जो घपला है इतना बड़ा नीट, उसमें लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई आप अगर आपको अगर मुद्दों की तलाश है तो ये मुद्दा तो बीजेपी खुद दे रही है आपको जी। तो मैं जो कह रहा हूं कि आप पार्लियामेंट में जरूर घेरेंगे, सब लोग घेरेंगे, घेरना भी चाहिए, पर मोदी जी को पार्लियामेंट चलाने की तकनीक पता चल गई है। 147 लोगों को पार्लियामेंट से निष्कासित करके उन्होंने सीआरपीसी में और आईपीसी में संशोधन कर लिए और अब वो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। पार्लियामेंट को तो चुटकियों में निपटा देंगे, वो पहले दिन श्रद्धांजलि हो जाएगी जो सदस्य नहीं रहे, फिर 3 दिन वो शपथ ग्रहण में निकाल देंगे और फिर कुछ चीजें करके उसको अनिश्चित काल के लिए वो कर देंगे कि भाई, और उनको
टाइम मिल जाएगा कि वो बहुमत कब सिद्ध करना है नहीं करना है और बहुमत सिद्ध कर देंगे। मुद्दा ये नहीं है राजीव जी, पार्लियामेंट मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। तो वो उस मेरे पास तो कोई जवाब है नहीं कि ये संजय कुमार कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल कुछ तैयार कर रहे होंगे वो लोग, कर लिया होगा। अब वो कर लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर कांग्रेस ने कुछ कर लिया है तो बहुत अच्छा है। सड़कों पर दिखना चाहिए, नागरिकों को यकीन होना चाहिए, जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें थी और 37 हो गई। आप सोचिए कि अगर इंडिया गठबंधन कुछ नहीं करता है तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, कांग्रेस को नहीं होगा जी। वहां तो यूपी में 6 सीटें हो गई है कांग्रेस की, 1 से रायबरेली थी पहले, अब 6 सीटें हो गई, पर अखिलेश की तो 80 हो गई है ना, 37 हो गई है। ये बड़े चैलेंजेस हैं जो अब प्रकट होने वाले हैं, और अगर कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया अभी आप देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो तो फिर से आ गया है अपने पुराने एजेंडे पर। वो सरकार का एजेंडा उसने फिर से चालू कर दिया है, तो इसलिए एक नई चुनाव। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि राहुल जितनी मेहनत कर रहे हैं और कर सकते हैं, कोई है नहीं उनके अलावा, पूरा पूरा राहुल, प्रियंका और खड़गे साहब ने, तीनों ने इस पूरी कांग्रेस को जो खड़ा किया है वो अपने आप में एक अद्भुत काम है, मतलब वो कोई छोटा काम नहीं है। जो सब लोग रूल आउट कर चुके थे कि भाई ये तो कांग्रेस की 44 से, अरे ये यूट्यूब चैनलों पे जो सरकार विरोधी चर्चाओं में भी जो यूट्यूब चैनल के जो प्रवक्ता बोलने वाले हम लोगों के जो साथी है वो कहते थे कि कांग्रेस को तो 24 सीटें मिलेगी या 40 से ज़्यादा नहीं मिल सकती है। तो उन लोगों के वीडियो हैं, ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गए हैं। तो ये चमत्कार हुआ है 99 या 101 का, पर ये जो जिनसे मुकाबला है वो बहुत, और अब कह रहे हैं ना वो तो कि भाई माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो राव साहब ने भी चलाई थी, और राव साहब ने भी रीजनल पार्टीज को या दूसरे दलों को तोड़ा था उस समय, बहुमत कर लिया था तोड़कर, यही तो आर्गुमेंट दे रहे हैं ये लोग। आप सोचिए ना कि किस तरह के आर्गुमेंट्स ये लोग दे रहे हैं। तो इन लोगों की नीयत पर शक है कि ये लोग डेमोक्रेटिकली चलाएंगे नहीं, हैरेस भी करेंगे, तंग भी करेंगे और कुछ काम भी नहीं करेंगे। ये एक बड़ा एक पोस्ट पोल जो सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, वो अभी इमर्ज होना बाकी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल वो अभी इमर्ज होना बाकी है और इंतजार सबको है, और ये भी सबको पता है ही कि नरेंद्र मोदी किस ढंग से अभी तक काम करते आए हैं, और शायद वो नीतीश कुमार से भी बड़े पलटीबाज हैं, पलटी मार लेते हैं जल्दी 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 जल्दी, ये साफ दिखाई देता है। भले नीतीश कुमार पार्टी के साथ इधर उधर करते हैं, लेकिन ये अपने व्यवहार और अपनी रणनीतियों में पलटी मारते हुए नज़र आते हैं। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहूँगा प्रोफेसर रविकांत जी आपसे। रविकांत जी, आप ओवरऑल कहाँ देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जो हम चर्चा कर रहे हैं ये आगे की रणनीतियों गतिविधियों पे हम चर्चा कर रहे हैं, अभी तक जो हो गया, सरकार किसकी बन गई, ये सब कुछ पता है। अब महाविकास अघाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, या समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या वो उधर बिहार में जो महागठबंधन है, महागठबंधन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, धरातल की बात और इन सब के बीच जरा इनकी तैयारियां जिस पे हम अभी चर्चा कर भी रहे थे, बीजेपी की तैयारियां, नरेंद्र मोदी की तैयारियां, ये भी एक्सपोज होना चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए कि ये कहां तक किस हद तक तैयारियों में
जैसे मनोरमा जी कह रही थी, सही कह रही थी कि इनकी जो गतिविधियां हैं, इनको पता है कि यहां अगर हम हार रहे हैं तो अगला कौन सा राज्य हम जीत सकते हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। क्या इंडिया गठबंधन और अगर आज की तारीख में जो सरकार है, क्योंकि अभी चुनाव विधानसभा के ही होने वाले हैं, लोकसभा के नहीं हैं, उस आधार पर जरा सा आपको आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहिए और दोनों के एक तुलनात्मक प्रतिक्रिया जरा बताइए दीजिए। क्या कुछ आप देखते हैं, कहाँ नरेंद्र मोदी को घिरे हुए देखते हैं, क्या कहाँ इंडिया गठबंधन को फंसे हुए देखते हैं? देखिए राजीव जी, इस चुनाव के नतीजों का एक करिश्मा ये है कि जिसने चुनाव जीत करके सरकार बनाई है वो डिप्रेशन में है और जो विपक्ष में बैठा हुआ है वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस चुनाव नतीजों ने ये भी बता दिया है कि नरेंद्र मोदी अपराजेय नहीं है और मुद्दों के आधार पर चुनाव भी हो सकता है और नरेंद्र मोदी को हराया भी जा सकता है। ये जो साइकोलॉजी पिछले 10 साल में बनाई गई थी कि साहब 50 साल तक हम रहेंगे, 2050 का पूरा एजेंडा तैयार किया जा रहा था, कितने साल में हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, कब विकसित भारत बनेंगे, ये सारा जो प्रोपेगेंडा रचा गया था उस प्रोपेगेंडा को इस चुनाव ने पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। आने वाले दौर में चाहे इलेक्शन हो या राजनीति, संसद में हो या फिर सड़क पर, बुनियादी मुद्दों पर ही होगी और जनता उसी को रिस्पॉन्स करेगी जो उनके सवालों को उठाएंगे, फिर चाहे वो संसद में उठा रहे हो या सड़क पर उठा रहे हो। इस चुनाव का एक हासिल ये भी है कि एक तरफ तो गोदी मीडिया का पूरा नैरेटिव था, पूरा छद्म था, उसके सामने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म थे, सोशल मीडिया था और उसने जिस तरीके से सरकार को एक्सपोज किया और जो विपक्ष था उसके विपक्ष के एजेंडे को सामने रखा, लोगों के सामने केवल परिस्थितियां कर दी और उससे लोगों ने जो तय किया अपने हित में जो वोट दिया, वो ये बताता है कि आने वाले वक्त में भी राजनीति मुद्दों पर होने जा रही। अब जो चीज मुझे कमी दिखती है, जिस तरह गर्ग साहब ने भी इशारा किया कि राहुल गांधी की अपनी जो राजनीति है विशुद्ध रूप से एजेंडे की राजनीति है, वो जिन मुद्दों पर राजनीति करते रहे हैं, मैं तो नतीजों के बाद देख रहा था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी के हाथ में संविधान था, वो बताता है कि वो अपनी जगह पर अड़े रहेंगे, लेकिन जो होप है इस समय लोगों की वो रोजगार की तो है ही, वो नौकरियों की तो है ही, इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल अगर मैं उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके करूं तो वो है प्रतिनिधित्व का। वो आप अति पिछड़ा समाज से, दलितों के बीच से, पसमांदा मुस्लिम समाज से आप अगर लीडरशिप निकाल करके ले आते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो अभी 6 सीटों पर पहुंची है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उसे एक बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि जो उम्मीदें हैं वो मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी से लोगों को है, कांग्रेस पार्टी से लोगों को है। ये चीजें विपक्ष को मजबूत करेंगी और अब लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से एक्सपोज किया जाए, संसद में उनको घेरा जाए। अंबानी और अडानी के जो सवाल है वो आप देखिए कितना लोग देखते हैं। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं उन बुनियादी मुद्दों पर ही मुझे लगता है राजनीति होने जा रही है। इंडिया एलायंस की कुछ कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन कमियों को अगर वो दुरुस्त करते हैं, एक तो एकजुटता दिखानी होगी, आपको लगातार ये मैसेज देना होगा कि वो इन सवालों पर, जैसे नीट का सवाल है, यूथ कांग्रेस ने उस पर प्रदर्शन किया है, लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि गोदी मीडिया में नहीं दिख रहा है तो हम लोगों तक भी वो नहीं पहुंच रहा है, सोशल मीडिया के जरिए उसको पहुंचाया जाना चाहिए। और जो विक्टिम है, पहले बोला भी था प्रोफेसर अभिकांत जी, हम लोग के पास तो पहुंच ही रहा है और हम पहुंचा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं जी। और जैसे प्रियंका गांधी ने यहाँ लखनऊ की एक लड़की है उसका वीडियो शेयर किया था, तो इसमें थोड़ी सी और तेजी दिखानी होगी। और वो जो संकोच है जो पहले जिस तरह के रहे हैं कि अब आपको किसी मुद्दे पर नहीं बोलना है, बहुत तौल करके बोलना है, कहीं ये मिस फायर ना कर जाए, मुझे लगता है कि अगर आप सीधे तौर पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की राजनीति कर रहे हैं, अगर आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, तो फिर खुल करके आपको करनी होगी,
जैसे चुनाव के दरमियान किया था, उसी तरह की शिद्दत और उसी तरह का संघर्ष आपको दिखाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से लोग वेलकम करने के लिए तैयार है, और वो जो घटाटोप था, वो जो साइकोलॉजी थी कि साहब मोदी जी को नहीं हराया जा सकता है, वो जो एग्रेशन था, जो आक्रमण था, वो बुरी तरीके से इस बार छीज चुका है। और लोग कम से कम इस मामले में आश्वस्त हुए हैं कि अगर वो सवाल करेंगे तो विपक्ष भी उठाएगा और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी झुकेगा। तो झुकते हैं लोग अगर झुकाने वाला है, तो ये इस चुनाव ने साबित कर दिया है। और मुझे लगता है कि आगे की राजनीति इसी तरह से होने वाली। जी, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, दिल्ली और अलग अलग राज्यों में NSUI और कांग्रेस पार्टी के नेता नीट के मामले पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अभी की लाइव तस्वीर है, सीधे लाइव तस्वीर, ये दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली की तस्वीर। और कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है NSUI, ये प्रोटेस्ट कर रहा है, और छात्र विंग, ये तस्वीरें हम आप तक सीधी लाइव तस्वीर पहुंचा रहे हैं। तो प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन वही है जो आप कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष से, खासकर राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, इस देश की जनता जो है उसको बहुत उम्मीदें हैं। और कहीं ना कहीं देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहता था कि सत्ता परिवर्तन हो, अभी नहीं हुआ है, तो सड़क पे रहना होगा विपक्ष को, और दूसरी तरफ चुनौतियां पेश करते रहनी पड़ेगी विपक्ष को, और यहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मनोरमा जी आपका, बहुत शुक्रिया श्रवण गर्ग साहब, धनंजय कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत गंभीर चर्चा देखिए, और इस चर्चा में क्या होने जा रहा है, और इंडिया गठबंधन को क्या करना चाहिए। यहाँ से गर्मी बहुत है, ये सबको पता है, थकान भी है, ये भी सबको पता है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त इस चुनाव में गुजरा है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हासिल है, इसमें बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। अगर आज बाजी उधर है, आज अगर नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हैं, तो कल को राहुल गांधी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, और इसी 5 साल के दरमियान। इसलिए यहां पर पीछे हटने की जरूरत नहीं है, यह जरूरत इस वक्त है कि डटकर मुकाबला करें और हर उस मसले को सामने बहुत चुनौती के साथ में पेश करें, चुनौतियां पेश करें, बहुत ही मजबूती के साथ उन चुनौतियों को सामने लेकर आएं। और उसमें युवाओं का मसला, नीट एग्जाम, और इसके अलावा